और ताइवान को धमकाना कैसे पड़ा चीन को महंगा, किस देश ने अपने सुरक्षा बलों के लिए तैयार किया आत्मघाती ड्रोन और कहां दुनिया देखने वाली है इंडियन नेवी की ताकत, इन सभी खबरों को देखते हैं टॉप नाइन वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। ताइवान को धमकाने के लिए एक बार फिर चीन के 9 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के दक्षिण पश्चिम हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी, लेकिन इस बार चीन की यह हरकत उस पर भारी पड़ गई। चीन को करारा जवाब देते हुए ताइवान ने अपनी मिसाइलें तैनात की, जिसके बाद चीन को अपने विमानों के तबाह होने का डर सताने लगा। पोलैंड ने अपने सुरक्षा बलों के लिए आत्मघाती ड्रोन तैयार किया है, जो टारगेट को तबाह करने में माहिर है। इन ड्रोन की खासियत है कि ये 12 किलोमीटर दूर अपने टारगेट की पहचान कर लेता है और फिर सटीक वार कर उन्हें तबाह कर देता है। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार किया है, जिसका नाम एरोफोर मिसाइल रखा गया है। इस मिसाइल को खासकर ईरान की मिसाइल टैंक की धमकियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दावा किया गया है कि ये ईरान की अत्याधुनिक मिसाइलों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यूएई में हो रहे डिफेंस एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए इंडियन नेवी का विध्वंसक पोत INS प्रलय आबू धाबी पहुंच गया है। डिफेंस एक्सपो में दुनिया भारत के स्वदेशी जहाज INS प्रलय की ताकत देखेगी। वहीं डिफेंस एक्सपो के जरिए यूएई और इंडियन नेवी में भी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। साउथ चाइना सी में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए अमेरिका और जापान के जंगी बेड़े तैनात हैं। वहीं इस दौरान दोनों देशों की नौसेना में बेहतर तालमेल भी दिखा। रूटीन ऑपरेशन के दौरान जापान के जंगी बेड़े का जब ईंधन खत्म हुआ, अमेरिका की USS बैरी ने जापान के युद्ध पोत में ईंधन भरने का काम किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने तालिबान को साफ संदेश देते हुए कहा है कि शांति प्रक्रिया के तहत अगर तालिबान अफगानिस्तान में हमले और हिंसा करना बंद करेगा, तभी अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी होगी। फ्रांसीसी नेवी ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। फ्रांसीसी नेवी ने इस्लामिक स्टेट पर कार्रवाई के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में अपने जंगी बेड़े चार्ल्स डी गोल को तैनात किया है। फ्रांस के मुताबिक उनका ये कदम आतंक विरोधी मिशन का एक हिस्सा है। अमेरिका अब F-16 फाइटर जेट की जगह फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट को तरजीह देगा। US एयर फोर्स चीफ चार्ल्स क्रू ब्राउन ने रक्षा मंत्रालय को F-16 को रिप्लेस करने और इसकी जगह F-35 जैसे उन्नत फाइटर जेट को और एडवांस बनाने का सुझाव दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने विध्वंसक विमान 17B-1B बॉम्बर्स को रिटायर कर दिया है। अमेरिका का ये बॉम्बर शीत युद्ध के वक्त दुश्मनों से मुकाबले के लिए तैयार किया गया था। अब इस पर महंगे खर्च को देखते हुए अमेरिकी वायुसेना ने इसे रिटायरमेंट देने का फैसला लिया।